कोई आपके पास तजवीज है कि बजाय कि हम जो एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं, कोई हमारे पास कोई कोई ऐसी फिक्र, कोई ऐसी तजवीज है कि लोग करीब आए, लोग हम जोड़े तोड़े ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मीर साहब, मैं आज ही देख रहा था, जब मुझे पता चला कि मुझे आपके यहाँ आना है, तो मैं सोच रहा था कि बजाय इसके कि मैं तकरीर करूँ, खताएं तलाश करूँ, ये कहूँ कि फलां कसूरवार है, फलां कसूरवार नहीं है, तो मैं क्यों ना कोई ऐसी बात पेश करूँ जिसके ऊपर पूरी उम्मत को मनफियत हासिल हो। आप कभी सरकारे दौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुआयदे मुख्तलिफ अकवाम के साथ किए, उनमें से एक मुआयदा मेरे जो है वो नज़र से गुजरा कि हजूर ने एक मुआयदा यसरब में जब आप तशरीफ ले गए तो वो माहौल नया था, वहाँ लोग मुख्तलिफ मसालक मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिकीन भी थे, और वैसे भी जो है वो लोग थे, तो उस माहौल में वो भी कोई अमन वाला माहौल नहीं था, और ख़ासतौर पर उस वक्त जब हजूर तशरीफ ले गए तो मदीना के यसरब के लोगों की राय बदल गई अपने पहले किसी को हुक्मरान बनाने की, तो वो उस इन तमाम हालात में हजूर ने उनके साथ एक मुआहदा किया था जिसको यसरब का मुआहदा कहते हैं, उसमें से वो है तो लंबा सा 63-64 उसकी शिके हैं, लेकिन मैं उनमें से 4-5 निकाल के लाया हूँ। अगर हम और नहीं तो अल्लाह के रसूल की बात को तो मान जाएगा जी। मैं कह सकता हूँ कि लुधियानवी साहब ने बात जो है वो अहले तशी से पसंद नहीं करेंगे, अहले तशी की बात वो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे नबी की जात पे तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, हम भी उसी के गुलाम, उनका भी यही पैगाम है कि हम जो है वो अल्लाह के नबी के दीन की अलमबरदारी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे इन दोस्तों का, तो मैं वो एक अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं वो 3-4 शिके आपके लिए पढ़ूं। उनमें से पहली शिक जो है वो हजूर ने इरशाद फरमाया, लिल यहूद दीनों वलिल मुस्लिमीन दीनों, जो यहूद है उनका अपना दीन है, जो दूसरे लोग हैं मुसलमान हैं उनका अपना दीन है। अगर अल्लाह का नबी जो इस पैगाम को लेके आया वो ये असूल मुतय्यन करता है, तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई हक पहुंचता है हम जाकर आगे बढ़ के कहें तू ये करता है, तू वो करता है, तू गलत करता है, तू सही करता है। इसलिए मैं समझता हूँ इसकी ये पहली शिक हमारे अहले इलम के लिए, दानिशवरों के लिए और पूरी उम्मत के लिए ये है कि दीन की अल्लाह, अगर अल्लाह का रसूल दूसरे मजाहब के लोगों को आजादी देता है तो फिर आप लोग को तो दर्जा हो ना उसकी जो है वो आजादी मिलनी चाहिए। दूसरा, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई, आपने फरमाया इन बैनहुम नसर अला मन दहब यसरब, वो आदमी जो मुल्क की सालमियत के ऊपर हमला करता है मदद उसकी है। आज देख लें इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ कौन काम कर रहा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी दलील बन गई है। तीसरी चीज हजूर ने इरशाद फरमाई इन यसरब हराम जौफुहा लिआले हाज़िन सहीफा, जिन लोगों ने ये सहीफे पे दस्तखत किए ना ये उनके ऊपर हराम है कि वो जो है मदीना उसके जौफ ये उसके अंदर रहते हुए उसकी सालमियत के खिलाफ अगर कोई काम करे तो ये भी नहीं। और इनमें जो आगे सबसे आखिरी में एक बात जो करूं, इन नसरा लिल मजलूम है, मदद किसके लिए है, रंग के लिए, नस्ल के लिए, मसलक के लिए, मजहब के लिए, नहीं मजलूम के लिए। ठीक है, ठीक है। इसलिए मैं ये समझता हूं यही वो बुनियाद है जो उस दौर में भी हमारे काम आई, तो इस पे हमें मुत्तफिक होना चाहिए। मैं समझता हूँ क्या जवाब है कि हम कहें हम नहीं मुत्तफिक होते। जी बिल्कुल ठीक है जी। एक मुझे वक्फा लेना है, वक्फे से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि अलामा इकबाल ने हमें कहा था, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।